हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और सुबह का टाइम हो गया है, हम लोग सब सो के उठ गए और टाइम तो ऊपर दिख रहा है आपको घड़ी में। यहाँ देखो 6:30 बज रहे हैं। क्या हुआ? और आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी सी फिर से हो रही, क्योंकि कल इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के जो बात करी ना वो प्रेम मंदिर पे, फिर बाद में तो मुझे ना बोला ही पड़ा। मगर मैं बोलती अपनी बंद कर देती हूँ, नहीं तो बिल्कुल ठप हो जाएगा सुबह तक। हैं, ये देखो चश्मे से यहाँ बोल रही है, सोए जा रही है। अभी पिंकू भी सो रहा है और इधर गीता बैठी है, गन्नू भी सो रहा है, बाकी और कमरे में कोई नहीं है। ईशु नहा रही है और कमरा हमारा अच्छा है, वैसे काफ़ी बड़ा है और साफ सुथरा अच्छा है, ठीक है कमरा हमने जो लिया हुआ है वृंदावन में। अब नहा के उसके बाद जाएंगे बांके बिहारी मंदिर, वहाँ दर्शन करेंगे और अपने लड्डू गोपाल भी खरीदेंगे हम, जो कि शिवरात्रि कल थी। कल लड्डू गोपाल खरीदने थे, कल तो खरीदे नहीं हमने, आज लेंगे हम लड्डू गोपाल जी लेंगे। हैं, मतलब जन्माष्टमी पर। चलो तो एक काम करेंगे, वृंदावन मथुरा द्वार अब जन्माष्टमी पर आ जाएंगे, या मथुरा आ जाएंगे जन्मभूमि पर, फिर उसके बाद मथुरा जाएंगे, मथुरा जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि वहाँ देखेंगे। उसके बाद टाइम बचा तो एक दो जगह जाएंगे, नहीं तो फिर गाजियाबाद सीधे वापस चले जाएंगे। या बेबी के यहाँ जाओगे सब लोग? और सब लोग कहते रहते ना, दीदी मथुरा आओ घूमने, देखो मथुरा वृंदावन आ गई, अब आ जाओ सब मिलने के लिए। लेकिन आप लोगों के पास में ये वीडियो जो जाएगी एक दो दिन के बाद जाएगी, तब तक मैं गाजियाबाद पहुँच जाऊँगी, क्योंकि यहाँ एडिटिंग करने के लिए नेट वगैरह उतना नहीं है, ना उतना टाइम है, भागम भाग हो रहा है। क्योंकि अब सब फटाफट नहाएंगे, फिर बांके बिहारी जी के मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे, उसके बाद में सीधे फिर मथुरा निकल जाएंगे कुछ चाय नाश्ता लेकर के। फिर मथुरा से घूम फिर के मेरी बुआ जी वहीं रहती हैं, या तो वहाँ जाएंगे या फिर कोई मंदिर देखेंगे टाइम रहा तो, नहीं तो फिर सीधे गाजियाबाद जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। लेकिन हाँ, आवाज़ फिर भी थोड़ी साथ दे रही है। कल ऐसा उसने वो राधे राधे का तिलक लगाया, अभी भी मेरा हटा नहीं है। कई बार मुंह धो लिया मैंने, अभी भी नहीं छुटा ये। हाँ शायद नहाने में ना उससे छुट जाएगा ये। चलो फिर मिलते हैं बाद में आप लोगों से। देखो हमारे कमरे से बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, बारिश भी हो गई रात में। नहीं बारिश नहीं हुई, इसने पानी दिया है ये खेत वाले ने। इधर को जामुन के पेड़ पे देखो, जामुन कितनी लग रही है साइड में। जामुन नहीं दिखेंगे तुम्हें ऐसे बच्चों। हम हो गए यहाँ पे तैयार सारे ही। गेट बंद करके क्रीम वगैरह सब तो था, अभी तो पैक करा यहाँ से चाहिए। हम हो गए यहाँ पे तैयार, ईशु भी, गीता मैं भी, अब हम चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। टाइम हो गया 8:00 सही। अब पिंकू वगैरह भी और सामान भी गाड़ी में रख देंगे, क्योंकि वहाँ से आने के बाद में फिर हम निकल जाएंगे सीधे मथुरा। बाल आ गया गीता, इसके बाल हटा दिए, इसके पहले तो बाल आ गए कहीं नहीं। और माँ भी तैयार हो गई। हाँ नहीं सब है, सारे मेंबर नहा धो के, बच्चे भी। ओहो हो गन्नू महाराज जी, पिंकू यार पिंकू तो मेरा किस बात पे मुँह खुल रहा है इसका। तो चलो कमरा थोड़ा सा दिखाओ, टाइम पास तो व्यस्त हो रहा है। हाँ गुल, छोटी छोटी गुल्लक। अरे आंटी पर्स का हैंडल, पर्स का हैंडल आने में ले लेगा, अभी तो रख देगी जन काम पे।
ये वाला कुर्ता देखो, ये शॉर्ट वाला अच्छा लग रहा है ना, नहीं मेरे लिए अच्छा लग रहा है। ऐसी दुकान से तो ले गए थे हमारी वो वाली जो फ्रेम्स लग रही है हमारे यहाँ, यही के मंदिरों से ले गए थे हम। लेकिन बंदर नहीं लगा लो किसी के, इनके पास भी कितने सारे हैं। तो बंदर ना मार, मैं कह रही भीड़ इतनी है, लगा लो यहाँ पे भी, देखो कि खूब बड़ा है आगे करने के लिए ना, यहाँ पे भी देख लो पीछे तो ये वाले ले लो ना, दोने वाले। हाँ ये वाले सही है ना चढ़ाने के लिए, तो हमने तो वहाँ उतारी है अपनी, ठीक है। ये बारिश हुई है यहाँ, मैंने आंटी को इतनी सारी चीजें दिखाई रास्ते में, आंटी कुछ नहीं दिखा अच्छे से। इनके पास अच्छी वैरायटी है, ड्राई फ्रूट वाले लड्डू खाने के टाइम पे लेंगे। अरे वो नहीं, फूल उसी से क्यों नहीं लिए जिसमें चप्पल चप्पल। नहीं, इसी से माला कैसे दिए। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रसाद भी ले लिया है और हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये आप गली देख रहे हैं ना, ये मंदिर के लिए ही जाती है। और इस टाइम पे ये देखिए बाहर से इतना सुंदर दिखता है मंदिर, ये बाहर का नजारा है। और अंदर ना वीडियो नहीं बना देते, लेकिन मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ध्यान से बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में फिर वहाँ पुलिस वाले थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि अंदर कैमरा वगैरह ऑन नहीं कर सकते हो आप अपना फ़ोन। तो फिर मैंने अंदर जाके बस थोड़ा सा जितना शूट हुआ था वही शेयर किया है आप लोगों के साथ में। तो यहाँ से अंदर फोन मतलब मंदिर सुबह सुबह आने में फायदा है हमारी, आप थोड़ी देर में आप दर्शन कर लीजिएगा बांके बिहारी जी के। ये बेड सेट भी ले लो और क्या, उनका बेड सेट भी नहीं है। तो देखिए अब लेते हैं अपने लड्डू गोपाल जी, जो कि हम लड्डू गोपाल जी ही लेने के लिए मथुरा वृंदावन गए थे। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी लेने के बाद में फिर उनकी ड्रेस सेलेक्ट कर रही हूँ कि जो भी मुझे ड्रेस पसंद आएगी फिर वही ले लेना अपने भाई से। एक जोड़ी ले लो अभी बस। मम्मी मम्मी आ गए तुम, यहाँ बैठ जाओ इसके ऊपर, स्टूल के ऊपर। पिंक वाली देखो, पिंक पर है। तो क्या हो गया, येलो तो यही है, ये वाले ले लेंगे येलो से। अभी तो एक ले लो येलो से, दो तीन मचिंगी भाई। तो देखिए यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी सुंदर से हैं, तो उनकी ड्रेस भी एक सुंदर सी होनी चाहिए। तो मैं वही देख रही थी कि बहुत अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस लूंगी। और लड्डू गोपाल जी के साथ साथ में देखिए हमने राधा रानी भी ली है, सच में पीली नहीं लाल या पिंक, मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली। और ये लड्डू गोपाल जी सब लोग बोल रहे थे कि ज्यादातर अपने आप नहीं लेते, कोई गिफ्ट देते हैं। गीता ने और सरिता भाभी दोनों ने मिलकर के ये लड्डू गोपाल जी और राधा रानी और उनका जो भी वहाँ का मैंने सामान लिया था, कपड़े सिंगार उनका सब उन्होंने ही दोनों ने भी ले जाओ अपने रंगा बिल्लाओं को। और पता है सरिता भाभी के साथ में वहाँ पे एक हादसा भी हो गया। आप सब लोग कोई भी जा रहे हैं अगर चश्मे लगाते हैं तो प्लीज अपने चश्मे उतार के रख लीजिएगा। भाभी ने चश्मे लगा रखे थे, बंदर आया भाभी के चश्मे उतार करके भाग गया। बाद में फिर बंदर को एक फ्रूटी जो आती है ना 10-12 रुपए वाली, वो फ्रूटी दी, उसके बाद में उन्होंने चश्मा वापस दिया।
वृंदावन में और कहीं नहीं, सिर्फ बांके बिहारी जी मंदिर गए थे वहीं पे हुआ, बाकी के उसके बाद आए थे मथुरा। मथुरा का मेरा कोई वीडियो नहीं है क्योंकि मथुरा में जन्मभूमि पे बिल्कुल भी फोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे तो ये था कि अंदर तक ले जा सकते हैं, बस तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने, गोपाल जी के सामने हम ऑन नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे जन्मभूमि के अंदर एंट्री करना ही फोन लेकर के नहीं, अपने गाड़ी में या कहीं पे भी जमा करके जाओ। तो यहाँ देखिए हमारे, बताना आप लड्डू गोपाल जी और राधा रानी कैसी लग रही हैं, उन्हीं का श्रृंगार हो रहा है। उसके बाद में मैं घर आऊँगी जब इनका अच्छे से घर में नहला करके पूरा वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बांके बिहारी जी के मंदिर आ रहे हो दर्शन करने के लिए, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप सुबह के टाइम ही आएं क्योंकि कम भीड़ होती है, और नहीं तो उसके बाद में जैसे जैसे 10 बज जाएंगे ना उसके बाद इतनी भीड़ हो जाती है कि आप लोगों को ठीक से दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग सुबह में गए थे तो बहुत अच्छा दुकान पे देख लो, राधा साइड में कोई और दुकान होगी, जन्म स्थली को इतना है कि वहाँ पहुँचते ही मन को बहुत अच्छा सुकून मिलता है। मिक्स करके खा लिए तो क्या बिगड़ गया, थोड़ा पाव भाजी ले लिया, कोई यूज नहीं था, हम तो यहाँ आए इसलिए थे। सबकी अलग अलग आइटम आ जाए, इसका जो जी करो कर दो, मेरे तेरे कहाँ से आ जाए, उधर ही आ रहा हूँ अल्लाह पाप दे। अब गीता का उस साइड में वहाँ तुमने काम आ बेटा ध्यान दे रहे, पता नहीं मैं देखा नहीं। कब आएगा हमारा खाना? आ रहा है बेटा, वो ऑर्डर कर दिया है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ खाना खा लेते हैं, तो सबने अपनी अलग अलग प्लेट मंगाई थी, ये भाभी की, बाकी सबकी सूट नहीं कर पाई हूँ, दो तीन प्लेट को मैंने सूट किया, बाकी चाउमीन पाव भाजी वगैरह ये सब लिया था। और लड्डू गोपाल जी को मैं घर ला करके अच्छे से कैसे श्रृंगार किया है वो वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोग भी मसाला डोसा सब लोग हमारे साथ में इंजॉय कर लीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, कमेंट करके